नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। कोपागंज मऊ। मंगलवार को खंड विकास सभागार में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर जयप्रकाश निषाद को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व खंड विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय समेत क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों और क्षेत्रीय भाजपा नेता मौजूद थे। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में विकास खंड में विकास की गंगा बहेंगी। कहा कि विकास ही हमारी प्राथमिकता है। कहा कि ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में विकास के लिए जो भी संभव होगा उसे किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्षेत्र पंचायतों की औपचारिक बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खंड विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम ने 6 समितियों के गठन हेतु पंचायत सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी, जिसमें गांव के विकास और सरकार की योजनाएं से संबंधित थे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान समस्त नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व क्षेत्रीय भाजपा नेता मौजूद थे। मेरा परिचय, मैं जितेंद्र कुमार गोयल, जिला पंचायत सदस्य मऊ। देखा जाए राष्ट्रपति ग्राम क्या रखा गया सबसे और क्या बात? देखिए, यह शपथ ग्रहण हुआ आज माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी का शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद जो एजेंडा इनका घुमा हुआ था, उस एजेंडे में तय था कि नहीं, केवल जो 6 समितियाँ हैं उनका चयन किया जाएगा, जिसके पदेन पदाधिकारी होते हैं माननीय ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख जी। तो उन समितियों पर चर्चा की गई और सभी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य उनके सामने बात रखी गई। अब उसमें ब्लॉक प्रमुख जो हैं अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने जो कार्यदायी संस्था में रखना है जिनको उनको अपना चयन करेंगे, रखेंगे। यही शपथ ग्रहण का रहा। इसी पर लगभग मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने एक सहमति जताई। हम लोग भी वहाँ उपस्थित रहे, हम लोग सामने सारी बातें हुई। केवल एक औपचारिकता थी शपथ ग्रहण की और कार्यक्रम पूरा कर लिया गया। आप भी एक जिला पंचायत के सदस्य, वार्ड नंबर 13 के, किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे? देखिए, हम लोग का पहली प्राथमिकता होगी कि जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की योजनाएं, उनका पूरी तरह से क्रियान्वयन करना। अभी चूंकि ये औपचारिकता थी, शपथ ग्रहण समारोह था, अगली बैठक होगी तो उसमें आप शायद उपस्थित रहेंगे, तो देखेंगे जम करके हम लोग जो योजनाएं हैं कैसे जनता में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। चूंकि हमें अधिकार है, हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, हम उनकी देख रख सकते हैं, हम उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो हम लोग उस पर पूरा ध्यान रखेंगे और सारे बिंदुओं को गहनता से लेते हुए जनता के बीच उनका बढ़िया से क्रियान्वयन हो, उनका पालन हो, सही ढंग से उनके पास पहुँचे, इस पर बिल्कुल हम लोग विचार करेंगे और उठाएँगे मुद्दे को। देखा जाए, अभी ढेलाबान में एक सामुदायिक शौचालय बन रहा है, ग्रामवासी को कहना है उसमें मटेरियल घटिया तरीके से लगाया जा रहा है और ईटा वोटा जो घटिया लगाया जा रहा है, अभी तक उसमें क्या कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, कार्रवाई के लिए तो यहाँ खंड विकास अधिकारी बताएंगे, लेकिन जो हमारी बात रही है, मैंने बात को उठाया है, अभी मैं मिल करके भी ब्लॉक BDO साहब से इस बात को कहा है और मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि अगले महीने हम लोगों का जो सत्र चलेगा, जिले की जो सबसे बड़ी सदन होती है, बैठक होगी, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि एक ज्वाइंट जिला पंचायत कमेटी बने और जो पूरे जनपद में सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन और जो भी निर्माण कार्य हैं उनकी हम लोग स्वतः जांच करेंगे, जांच करके रिपोर्ट देंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, उनका अनुसरण रखेंगे। अभी देखा जाए, प्रधान 5 साल पूरे बाकी हैं, लेकिन अभी कार्य में घटित तरीके से माल लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस पर चूँकि अभी हम लोगों के संज्ञान में आया है, चूँकि हम लोगों को राइट है उसमें हस्तक्षेप करने का, लेकिन अभी हम लोगों का भी एक औपचारिकता हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण के बाद अभी हम लोग भी दूसरी बैठक का इंतजार कर रहे हैं। जब सदन आएगा तो सदन में इस पर चर्चा किया जाएगा और जो भी इस तरह के काम करेंगे, घटिया तरीके का काम करेंगे, प्रयोग करेंगे सामग्री, तो उसको निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग, अनुसरण करके, उसकी जांच करके जो विधिक कार्रवाई थी, कार्रवाई कराने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर रहेंगे। अखिलेश राजभर, सदस्य जिला पंचायत, वार्ड नंबर 15, दवरिया साथ। जिला पंचायत सदस्य दूसरी पद पर तैनात हुए हैं, हाँ, आप किस तरह से अपने ग्रामवासियों को संतुष्ट कार्यों से करेंगे और किस तरह से विकास करेंगे? पिछली बार जब मैं चुन के आया था, तमाम समस्याएं थी, उसी के आधार पे हमने काम भी किया और दूसरी बार भी मैं सदन में आया हूं। मैं पूरे आपके मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को भरोसा देना चाहूंगा कि
विकास ग्राउंड लेवल पे हो और वो दिखे भी।